नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भारतीय नॉलेज में। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, अगर आपके घर में काली चींटियां आती हैं या आपको अनायास रूप से काली चींटियां दिखाई देने लगे तो इसका क्या मतलब होता है, और ये काली चींटियां यदि आपके घर में आती हैं तो ये क्या संकेत देती हैं, और ये संकेत आपके लिए सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है, इनको मारना चाहिए या भगाना चाहिए, या इनके लिए हमको क्या करना चाहिए। कुछ लोग भी ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो काली चींटियाँ होती हैं ये सकारात्मकता का प्रतीक भी मानी जाती हैं। सारी जानकारी आपके सारे संशयों को दूर करेंगे इस छोटे से वीडियो में, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर हो सके तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिएगा। इससे होता ये है कि हम आपको सटीक जानकारी पहुँचाने के लिए अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं, घर में यदि आपके काली चींटियां प्रवेश करने लगी हैं या आपको दीवारों वगैरह में या आपकी फर्श वगैरह या आपके कच्चे आंगन में काली चींटियों का निवास अनायास रूप से आपको दिखाई देने लगेगा, या आपको जो है बड़ी काली चींटियां जो जिनको हम चींटा बोलते हैं, अगर ऐसी चींटियाँ अगर आपके घर में निवास करने लगें, आपके घर में बिल बना के रहने लगें या आपकी नींव वगैरह में आपको दिखाई दें तो ये शुभ संकेत माना जाता है। अब ये शुभ संकेत आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकता है ये भी समझ लीजिए। ऐसा होता है ना, कुछ लोग चींटियों से नफरत भी करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अक्सर देखा गया है बहुत लोगों को मेहनत करने के बाद भी पर्याप्त रूप से उनको जो है परिश्रम के हिसाब से फल नहीं मिलता है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं उसके बाद भी पर्याप्त रूप से सुखी नहीं रहते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को ऐसा देखा गया है जिनको बहुत से कम मेहनत में अच्छी खासी ज़िंदगी में सहूलियत मिलती है। अब बात कर लेते हैं ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिनको हर समय मेंटल डिसऑर्डर रहता है, समस्याएँ उनके सामने एक जो है चुम्बक की तरह चिपकी रहती हैं, वह कभी भी उस समस्याओं से दूर नहीं हो पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के घर में यदि काली चींटियां या उनके घर की नींव में काली चींटियां अगर आपको दिखाई दें तो उनके लिए ये तनाव का छुटकारा पाने का एक शुभ अवसर भी होता है। हमारे वास्तुशास्त्र में प्रत्येक जीव को एक विशेष महत्व दिया गया है। इसमें से महत्वपूर्ण जीव होती है काली चींटी, जो कि एक शांति का प्रतीक माना जाता है कि काली चींटियाँ अशांत रूप से जो है किसी पर हमला नहीं करती हैं, किसी को बिना वजह परेशान नहीं करती हैं। अगर आपके घर में काली चींटियाँ आती हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चींटियों को देखते ही मार देते हैं, तो मैं आपको बता दूं चींटियों को कभी भी मारना नहीं चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का प्रकोप आप पे बरसता है, आपकी स्थिति सुदृढ़ होने की बजाय थोड़ी विपरीत दिशा में रहती है, आप करीब होने लगते हैं, आपको विभिन्न प्रकार की समस्याएँ होने लगती हैं। इसलिए यदि आपके घर में काली चींटियाँ आए तो उनको मारें मत। अब उनके साथ करेंगे क्या, उनको ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं करना। आप उनके लिए दाना पानी का इंतजाम करें, शक्कर वगैरह अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए। ऐसा करने से आपको जो है काफ़ी सुख की अनुभूति भी प्राप्त होगी और इसके अलावा माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। और काली चींटियों को कभी भी मारना या भगाने की कोशिश ना करें, ये सकारात्मकता का प्रतीक होती हैं, आपकी दरिद्रता को मिटाती हैं, आपके घर में बीमारी वगैरह है उसको समाप्त करने में ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा का जो है पिंड लाती हैं, जिसकी वजह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भूत वगैरह जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, और जो है माता लक्ष्मी की कृपा भी इनके आने से बरसती है। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें।